नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। चुनाव यात्रा में आज वो सीट अपना इतिहास बताने जा रही है जो न सिर्फ देश की तमाम हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, बल्कि ये सीट देश की राजनीति में अहम स्थान रखती है। देश का कोई भी चुनाव हो, ये पूरे चुनावों को प्रभावित करती रही है। ये सीट अब तक दो प्रधानमंत्री भी दे चुकी है और 1991 के बाद से ये सीट हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर उभरी है। कौन है वो सीट और इसका क्या है इतिहास, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, हर पार्टी को रहती है इसकी नींद, तय करती है राजनीति की दिशा, सरकारों की भी तय करती है दशा। महादेव की नगरिया की कठिन डगरिया, मैं यानी वाराणसी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक हूं। मैं अविमुक्त क्षेत्र भी हूँ, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए भी मैं पवित्र नगरी हूँ। मेरी संस्कृति का गंगा और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से अटूट रिश्ता है, यही वजह है कि मैं मंदिरों का शहर हूँ। भारत की सांस्कृतिक राजधानी हूँ और भगवान शिव की नगरी हूँ। मैं इतिहास से भी पुरातन हूँ, परंपराओं से भी पुरानी हूँ, किंवदंतियों से भी प्राचीन हूं। मैं नामचीन हूं। मेरा नाम कई दार्शनिकों, कवियों, लेखकों और संगीतज्ञों से जुड़ा रहा है। कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने मेरा नाम दुनिया में मशहूर कराया है। इतना ही नहीं, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने परम पूज्य ग्रंथ रामायण भी यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहीं दिया था। यही वजह है कि मैं देश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी हूँ। मैं जितनी धार्मिक और सांस्कृतिक हूँ, मैं उतनी ही राजनीतिक भी हूँ। धर्म और संस्कृति यहाँ की राजनीति को हमेशा से प्रभावित करती रही है। शायद इसीलिए मैं हिंदू धर्म की प्रयोगशाला के तौर पर मशहूर हूँ। यही वजह है कि मुझ पर कभी जाति और जातिगत आंकड़ों का असर नहीं पड़ा और मेरे यहाँ से कभी किसी क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। मेरे यहाँ अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। मेरी जनता ने 1952 में देश के पहले लोकसभा चुनाव से 1962 तक 3 बार लगातार रघुनाथ सिंह को ही विजय बनाया। 1967 में कांग्रेस की लहर कम हुई तो पहली बार CPM के सत्यनारायण सिंह ने चुनाव जीते, लेकिन 1971 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और राजा राम शास्त्री सांसद बने। 1970 में कांग्रेस विरोधी लहर की बदौलत मेरे यहाँ चंद्रशेखर चुनाव जीते। 1980 में कांग्रेस की फिर वापसी हुई और कमलापति त्रिपाठी मेरे यहाँ से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1984 में मेरा प्रतिनिधित्व कांग्रेस के श्यामलाल यादव ने किया। 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल कुमार शास्त्री ने जनता दल से चुनाव जीता। 1991 से मैं लगातार BJP से जुड़ी रही। 1991 में शिरीष चंद्र दीक्षित, फिर 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में मेरा प्रतिनिधित्व BJP के टिकट पर शंकर प्रसाद जायसवाल ने किया। 2004 में मेरी जनता एक बार फिर कांग्रेस को वापस ली और डॉक्टर राजेश मिश्रा ने लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व किया। 2009 में BJP के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद के बजाय मेरा रुख किया और मेरी जनता का भरोसा हासिल करने में वो कामयाब हुए। साल 2014 में मैंने गुजरात के CM नरेंद्र मोदी को संसद पहुंचाया और वो देश के PM बने। 2019 में मुझे एक PM को चुनाव लड़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी जनता ने उन्हें संसद पहुंचाया और वो दूसरी बार PM बने। वाराणसी UP की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट। 2014-2019 में सबकी नजरें मुझ पर टिकी थी, इस साल भी नजरें मुझसे हटने वाली नहीं है। ये तो तय है कि मेरे यहाँ से PM मोदी ही BJP के उम्मीदवार होंगे। साल 2014 में इस सीट से PM नरेंद्र मोदी ने
बंपर वोटों से जीत हासिल की थी। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को करीब 3.37 लाख वोटों से हराया। 2014 के आम चुनाव में वाराणसी में कुल मतदाताओं की संख्या 17,67,486 थी, इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,86,224 और महिला मतदाताओं की संख्या 7,81,262। उस वक्त इस निर्वाचन क्षेत्र में 58.31% मतदान हुआ था। तत्कालीन बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 वोटों से हराया था। दो चुनावों से यहां एक तरफा मुकाबला ही हो रहा है। 2019 के चुनावों में पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। सपा की शालिनी यादव को 1,95,159 वोट और कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। मेरे लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रोहड़िया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी छावनी और सेवापुरी। इनमें से एक भी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। जब देश में 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे, उस वक्त वाराणसी जिले में लोकसभा की 3 सीटें थी। ये सीटें बनारस मध्य, बनारस पूर्व और बनारस मिर्जापुर थी। साल 2014 के बाद वाराणसी सीट का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया। 2014 से पहले 2009 में भी ये सीट बीजेपी के ही कब्जे में थी, लेकिन ये सीट चर्चा में 2014 के बाद से ज्यादा। अब तक 17 लोकसभा चुनावों का हिसाब लगाया जाए तो हमारी सीट से 7 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी जीती है। इसके अलावा यहाँ से एक एक बार जनता दल और CPM उम्मीदवार को भी जीत नसीब हुई है। वहीं भारतीय लोकदल ने भी इस सीट पर एक बार जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा ने इस सीट पर अभी तक कोई भी जीत दर्ज नहीं की है। मेरा प्रतिनिधित्व अब तक कई दिग्गज नेता चुनाव जीत कर आए हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी शामिल हैं। इस सीट से मुरली मनोहर जोशी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री भी विजयी रहे हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जाति की राजनीति का कोई महत्व नहीं। मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रभाव मेरी जनता पर भी है। यही वजह है कि मेरे यहाँ तमाम जातिगत समीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें नाकाम ही रहती हैं। लेकिन यूपी की राजनीति का कड़वा सच जाति भी है, इसीलिए यहाँ के जातिगत आंकड़ों को जानना भी जरूरी है। इस नजरिए से भी जाति की सच्चाई के बावजूद यहाँ ये फैक्टर काम क्यों नहीं करता है? अगर मेरे यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो मेरे यहाँ कुर्मी वोटों की तादाद सबसे ज्यादा है। रोहनिया और सेवापुरी में सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर। इसके अलावा भूमिहार और ब्राह्मण भी अच्छी खासी तादाद में हैं। यही नहीं, मेरे यहाँ वैश्य, यादव और मुस्लिम भी निर्णायक स्थिति में है। मेरे यहाँ 3 लाख से ज्यादा गैर यादव और OBC वोटर, यहाँ 2 लाख से ज्यादा कुर्मी, 2 लाख वैश्य वोटर, इसके अलावा 1.5 लाख भूमिहार, 1 लाख यादव और 1 लाख SC वोटर। तो ये वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की पूरी कहानी है। इन चुनावों में भी मेरी अहमियत खास होने वाली है। अब देखना ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जाति समीकरण के दम पर यहाँ की परंपरा को बदल पाता है या फिर ये एक बार फिर हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।